तो यहाँ सब हाउस हुए टूट पड़े हैं। सही कैसे लग रहे हैं आपको बताएं वकार भाई? बहुत अच्छे जन्नत हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ आपके दुआओं से। ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सब कहते हैं फ्रेंड से किया करो, अब मुझे आदत नहीं है, मैं क्या करूँ। हालांकि मेरे मम्मा के पास तो फुल मिरर है कि मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अभी हम बस इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, इफ्तारी वगैरह करके फिर हम निकल जाएंगे रात में सहरी करने, क्योंकि हमारा कुछ प्लान है जन्नत लोगों के साथ। तो वो लोग भी कब से कह रहे थे कि आप लोग आओगे, तो हम लोग जाएंगे सैरी पर, तो आज सैरी जाएंगे। और हमारा यही है, वैसे तो हमने यही कहा था कि जन्नत हम लोग कहीं ना ऐसे नज़दीक वगैरह जाएंगे, तो लेकिन जो मेरे साहब हैं और हमारी छोटी मुतरमा हैं वो कहती है नहीं जाना है तो बंस रोड जाना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। तो आज फिर मैं आपको दिखाती हुई हूँ कि बंस रोड में क्या रौनक होती है और क्या नहीं, और थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग भी करनी है, तो वहाँ ही मॉल भी नज़दीक है, तो वहाँ से होते हुए फिर हम जाएंगे बंस रोड। तो बस अब इफ्तारी वगैरह करके मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, रेडी होकर फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये हमारी इफ्तारी भी लग गई है। रात में हम बहुत थक गए थे, तो सैरी तो बाहर से ही करके आए थे, और ईमान अभी रोल और समोसे बना रही है। सईद आप क्या कर रहे हैं? मैं दुआ कर रहा हूँ, अभी आखिरी टाइम पे दुआ हर किसी कबूल होती है, तो मैं हमेशा सुन रहा हूँ। तो आप वैसे क्या दुआ मांगते हैं? दुआ बस बरकत हो और बंदा खैर खैरियत की दुआ मांगते हैं। थोड़ा जोर से बोले, अभी रोज़ा लग रहा है तो इसलिए मेरी आवाज़ नहीं जा रही। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं एपीएम मॉल शॉपिंग करने के लिए। तो क्या किया कौन मिलता है? ईमान की शॉपिंग ख़त्म नहीं होती, हम इसके पीछे पीछे। तो गाइस यहाँ पर इतना रश है कि कोई भी हमें मुझे जूते वाला कोई हमें जूता नहीं ला के दे रहा, कोई साइज नहीं दिखा रहा, जूता नहीं दिखा रहा। और अभी कहते हैं कि पाकिस्तानी आवाम गरीब है, कोई गरीब नहीं है भाई, रश ही नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना रश है, सॉरी रश ही गाइस। हम लोगों को लोग यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं, अगर हम लोग बड़े कर रहे हैं, हम बहुत बड़े कोई यूट्यूबर हैं, पर उनको क्या पता अभी हमारे तो 5-300 सब्सक्राइबर हैं। मार्शल से हो गया हम लोग, अब हम आ गए हैं फूड कोर्ट, क्योंकि अब हम कुछ खाएंगे नहीं, अभी थोड़ी शॉपिंग करनी है हमारी। तो इंशाल्लाह फिर बाद में मिलते हैं आपको। हाँ यहाँ से नज़र नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं कि कितनी रश लगी है। यहाँ पर तो सैरी नहीं कर पाएंगे हम लोग, यहाँ देखें पूरा फुल है भाई। ओए मुझे लग रहा है फोन भी तो 13वां रोजा नहीं शुरू हुआ, लेकिन लोगों को यहाँ पर जो रश है ऐसा तो लग रहा है जैसे 20 रोजे गुजर चुके हैं अभी तक। बड़ी आवाज आई हुई है यहाँ चलते हैं, पर यकीन करें ये एक जूते की मैंने 10 दफा कहा कि रेडिंग साइज निकाल दे निकाल दे। तो गाइस हम फूड कोर्ट में आ गए हैं, और अब ईमान कह रही है कि वैसे हमने डिसाइड किया था कि हम सैरी करेंगे काम पर वन फ्लोर पर, बट मैडम कह रही नहीं मुझे अब यहाँ से कुछ खिला दो, मैं बाद में नहीं बोलूँगी मुझे कुछ खाना है। नहीं नहीं हम तो वन फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ की रौनक देखिए क्या किया। नहीं भाई मुझे तो खाना है, मैं तो रोऊंगी वरना। आप खा लो मंगवा लो जो आपने खाना है, तो गाइस लेट हो चुके हैं और बस आज की शॉपिंग यहाँ ही ख़त्म करें, क्योंकि ये सब क्लोज हो रहा है। चलें सही फिर, चलो बच्चों। तो गाइस हम बंस रोड की स्ट्रीट पे पहुँच चुके हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ रुकें और क्या खाएं, देखते हैं क्या हम डिसाइड करते हैं। ध्यान से आना चलें, हाउसे देख लिए, कह रही है मुझे वो खाने हैं, तो अब हम ईमान को वो खिलाने लगे हैं जी। वकार भाई मूछों को बल देते हुए, ईमान क्या इतना सदमे में हो,
इमान ने अपने आईलाइनर को खारिज करके सारा फैला दिया है और अभी हम बैठ गए यहाँ पे सामने कोई शॉप है खाउसे खाने के लिए। अभी मोमोज भी हम लोग नहीं जी मोमोज जी नहीं ना खाउसे ना मोमोज मुझे पसंद है। तो ये आगे हैं हमारे खाउसे तो यहाँ सब खाउसे पे फूट पड़े हैं। सही कैसे लग रहे हैं आपको बताएं वकार भाई? बहुत अच्छे जन्नत तो वैसे ही और ईमान खाते रहते हैं। इन दोनों की चॉइस है जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मैं हाँ स्लिम्स खाती हूँ। एक और इनकी पसंदीदा डिश आ गई है रहीला और मैं रहीला को बोल के आई थी कच्चा मैदे के अंदर कीमा डाला हुआ होता है। तो यहाँ पर हमने लिया है गोला गंडा। ईमान की तो सैरी कम्प्लीट हो गई है मोमोज और खाउसे खा के और ये देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है। और ये इस टाइम हम लोग मौजूद है बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर जो कि कराची की बहुत ही फेमस और वेल नोन स्ट्रीट है। सो यमी ट्राई करके बताती हूँ ये कैसा है। ये दिखने में अच्छा है ये खाने में भी अच्छा है। बहुत अच्छा है मजे का। जब भी आप बंस रोड आए स्ट्रीट फाइट सोडा गोला का शॉप बहुत ही ये भाई बनाते हैं बहुत ही अच्छा था। और ये हमने जो लिया था ये 100 रुपीज़ का था बट बहुत अच्छा। गाइस आज इन सबको मैं सैरी की दावत दी है मैंने और आज मैं इनको लेकर आई हूँ पार्टी क्यों लाने लाए। इतना बड़ा दिल माशाल्लाह से इसमें हो गया शादी के बाद। और आपको शोर की आवाज़ देख रहे होंगे कि अभी हम जल्दी आए हैं उसके बावजूद यहाँ स्पेस नहीं था हमें तोड़े पर मिली है ना। यहाँ के मशहूर है ये है। आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएंगे रोज़ा अभी 5:15 पे बंद होना है और ये लोग इतनी जल्दी सैरी करवा रहे हैं और कर रहे हैं लेकिन कल संडे आप लोग सो के टाइम गुजार दें। वहीद जो है यहाँ पर वहीद कबाब बंस रोड पर पूरे कराची का बंस रोड पे सबसे फेमस कबाब जन्नत मिर्ज़ा भी आई थी। चलो जी ऑर्डर ये है धागा कबाब ये है भोला कबाब और ये है बीफ सॉरी चिकन मलाई कोश। ये देखिए ये हमारा धागा कबाब बोल रहे हैं। इतना मेहनत ये है गुलाब जामुन ये है ऐसे सारे आप एंड कर देंगे के 10 लोग ना आप भी खाएंगे तो मैं भी अब ड्रेस कर रहा हूं मेरा दूसरी ब्रांड लगा दे। सारे गाइस गुलाब जामुन खाने लगे हैं। मेरे मुंह में गया ये इधर गया मेरे अलावा सब ये लोग ऐसी चीजें गंदी गंदी जो होती है खाते हैं ये तो अच्छी खैर होती है सबको पसंद गाइस मुंह में घुल गई हैं। अभी इनका दिल भरा नहीं था गुलाब जामुन खाने से कि अब इन्होंने ये मटका कुल्फी ले लिया दिलशाद की। कोई हाल नहीं है भाई कैसी है अच्छी है। चलो अब जरा मुझे भी चलो। तो गाइस हमारा दिल नहीं भरा अभी मटका कुल्फी से भी तो अब हमने कहा कि ना चाय पी जाए बताएं मटका चस्का पार्टी में हम आ गए मटका चाय मटका हाँ प्लेन चाय प्लेन जो है वो देते वही अच्छी होती है। हम जाके लस्सी अगर पी सके तो पी लेंगे वरना बस। गाइस आज हमने बहुत बहुत एंजॉय किया और हमें बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। चाय हमारी रेडी तो चाय हमारी बन गई दिखाओ मजेदार आ जाओ। देखें गाइस ये जन्नत और मैं जा रहे हैं पर हमारे लिए नहीं कितना प्यारा है ये
गाइस हम घर पे वापस आ गए थे, बस अब नमाज वगैरह अदा करेंगे, सैरी के बंद होने का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़े आधा घंटा एक घंटा पहले तकरीबन हम पहुंच गए थे, पौना घंटा पहले। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत दिनों के बाद डे आउट किया, नाइट आउट किया और बहुत अच्छी सैरी रही हमारी और हम सब ने बहुत मिल के इंजॉय किया। और आज हम बंस रोड गए हुए थे, हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई की जो बहुत अच्छी थी, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमने ट्राई की हो और वो अच्छी ना हो, सबका अपनी जगह रीजनेबल प्राइस में सब बहुत अच्छा था। और कराची तो वाकई ज़िंदा दिल को, मैं इतना रश कि मैं हैरान थी, बहुत रश था, लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, बाइक से लेकर गाड़ियों से लेकर, मतलब हर कहते ना हर तबके की फैमिलीज होती हैं तो इस तरह सारी थी। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय किया करें, तो मैंने भी अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय किया। थैंक यू सो मच बकार भाई और जन्नत के आप लोग मेरे साथ थे और ताकि मैं इंजॉय कर सकी। और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमाइल सेफली चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलें मत और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।